पेपर बिलिंग की झंझट से पाएं छुटकारा। माई बिलबुक ऐप से जीएसटी बिल बनाएं और शेयर करें, स्टॉक मैनेज करें और पार्टी से लेन देन का पूरा हिसाब भी रखें। आज ही डाउनलोड करें माई बिलबुक ऐप प्ले स्टोर से बिल्कुल फ्री में। कैपिटल बिल्डिंग पर हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ट्रंप का कार्यकाल लगभग 8 दिनों का बचा है, पर अब उन्हें जल्द ही कुर्सी से बेदखल करने की तैयारी शुरू हो गई है। ट्रंप के खिलाफ डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 सांसदों ने महाभियोग प्रस्ताव पेश करते हुए उन पर पिछले सप्ताह कैपिटल बिल्डिंग में अपने समर्थकों को हिंसा भड़काने के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। ये प्रस्ताव सांसद जैमी रस्किन, डेविड स्लीन और टेड लियू लेकर आए हैं और इसका समर्थन अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 211 सदस्यों ने किया है। मीडिया में जारी बयान के अनुसार इस प्रस्ताव में ट्रंप पर अपने कदमों के जरिए 6 जनवरी को राजद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि ट्रंप ने अपने समर्थकों को कैपिटल बिल्डिंग की घेराबंदी के लिए तब उकसाया जब वहां इलेक्टोरल कॉलेज के मतों की गिनती चल रही थी और लोगों के धावा बोलने की वजह से ये प्रक्रिया बाधित हुई। इस घटना में एक पुलिस अधिकारी समेत 5 लोगों की मौत हो गई। इससे पहले रिपब्लिकन सांसदों ने सदन में डेमोक्रेटिक सदस्यों के उस अनुरोध को खारिज कर दिया था जिसमें ट्रंप को राष्ट्रपति पद से जल्द हटाने के वास्ते उपराष्ट्रपति पेंस से 25वें संशोधन को लागू करने के आह्वान पर सर्वसम्मति की मांग की थी। इस बीच अमेरिका के भावी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप पर कार्रवाई करने को लेकर दबाव बढ़ा दिया है। उन्होंने बिना नाम लिए एक ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि कानून किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं है। जो बाइडेन ने कहा कि हमारा राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, न्याय आम जनता की सेवा के लिए होता है, किसी ताकतवर इंसान को बचाने के लिए नहीं। ट्रंप इतिहास में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति होंगे जिनके खिलाफ 2 बार महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है। फिलहाल कई रिपब्लिकन सांसदों ने जो बाइडेन को पत्र लिखकर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने के फैसले पर हस्तक्षेप कर रोके जाने का आग्रह किया है। इनमें वो सांसद भी शामिल है जो हाउस में नतीजों के खिलाफ जाने के डोनाल्ड ट्रंप के फैसले का विरोध कर चुके हैं। अगर ट्रंप को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा और उनका स्थान उपराष्ट्रपति लेंगे जो फिलहाल माइक पेंस हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।